हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। यू आर वाचिंग कशिश ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? मैं काफ़ी अच्छी हूँ। एंड गाइस, बहुत दिनों से मम्मा एडमिट थी, तो आप लोगों को वही हॉस्पिटल वाले ब्लॉग्स देखने को मिल रहे थे। बट हाँ, फाइनली मैं अपना मोस्ट डिमांडिंग ब्लॉग शूट कर रही हूँ, जो कि होने वाला है Q&A ब्लॉग, जिसके डिमांड आप लोग काफ़ी टाइम से कर रहे थे कि दिए Q&A ब्लॉग लेकर आओ, Q&A ब्लॉग लेकर आओ। बिकॉज आप लोगों के गाइस कुछ टाइम में न्यू लोग ऐड होते रहते हो, मे बी फॉलोवर्स और सब्सक्राइबर्स, तो आप लोगों के या फिर जो पुराने होते हैं उनके भी कुछ ना कुछ टाइम में क्वेश्चंस हो जाते हैं, दी इसका आंसर करो, उसका आंसर करो। एंड स्पेशली कमेंट्स में आंसर देना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज मोस्टली सबका रिप्लाई बहुत टफ रहता है करना। बट मैं कुछ टाइम में Q&A ब्लॉग शूट करती रहती हूँ। अगर आप लोगों पुराने हो गए तो आपको पता होगा मेरे Q&A ब्लॉग्स आते रहते हैं, जिसमें मैं अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा देती हूँ, और उसमें जो क्वेश्चंस मुझे मोस्ट रिपीटेड लगते हैं कि हाँ ये क्वेश्चंस बार 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 रिपीट हो रहे हैं, तो मैं उनका आंसर दे देती हूँ अपने व्लॉग में, जिससे मेरे आप लोगों के सवालों का जवाब आपको मेरे व्लॉग के थ्रू मिल जाए। तो आज फिर से हम करने वाले Q&A ब्लॉग शूट, एंड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज बहुत इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस मैंने पिक करे हैं। एंड मैं थोड़ा कॉर्नर में होकर बैठी हूँ, बिकॉज इस साइड पर मैं फोटोज शेयर करूंगी जिनका भी क्वेश्चन था विद नेम, एंड वो आपको यहाँ पे दिखेगा कि किसका क्वेश्चन मैंने पिक किया है। मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी अपडेट करी थी, तो सीरियसली पहले तो आप ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखो जो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, ये इतने सारे क्वेश्चंस थे ना। बट हाँ, अगर मैं इतने सारे क्वेश्चंस का आंसर करूंगी ना गाइस, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे 2, 4 या 6 व्लॉग भी कम पड़ जाएंगे। मुझे ऐसा फील हो रहा था, बिकॉज वो इतने सारे क्वेश्चंस थे, हर व्लॉग में 10-10 क्वेश्चंस के आंसर भी देती ना, तो मुश्किल से 10-15 मेरे Q&A व्लॉग्स ही बन जाते। तो अभी मैंने कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट करे हैं, तो वन बाय वन सबका आंसर करते चलेंगे। एंड फिर भी किसी को लगे कि हाँ मीन्स कुछ ऐसा था जो जानना रह गया, तो आप लोग यहाँ पर कमेंट कर सकते हो। मैं यहाँ पर जो मुझे लगेगा कि हाँ कुछ न्यू सा है, या फिर ये चीज़ अभी तक क्लियर ही नहीं हुई है, या आप लोगों को नहीं पता इस बारे में, तो मैं वो भी क्लियर कर दूंगी आप लोगों को वही कमेंट में, या फिर नेक्स्ट Q&A वीडियो में। बट नेक्स्ट Q&A वीडियो पता नहीं कब आएगी, तो आप लोग यहाँ कमेंट कर सकते हो अगर कुछ रहे। एवरीवन, कैसे हो आप सभी? तो गाइज, IPL देखो ही नहीं बल्कि अपने ओपिनियन देके जीतो काफी सारे प्राइजेस, वो भी Lotus365.in पे। यहाँ होते हैं गाइज बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे हु विल विन मैच और हु विल विन टॉस, जैसे 50+ तरह में क्वेश्चन में अपना ओपिनियन बता के आप काफी सारे प्राइजेस जीत सकते हो। तो Lotus365 पे रजिस्टर करिए और पाइए 365 का बोनस। यहाँ आपको मिलता है 1-to-1 कस्टमर सपोर्ट। यहाँ खेलते हैं 10 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स, और गाइज यहाँ पर क्रिकेट के अलावा 200+ क्वेश्चंस और भी रहते हैं, जिनके आंसर देकर आप लोग जीत सकते हो काफी सारे प्राइजेस। तो और गाइज, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी रोटेला, सुनील शेट्टी, काजल अग्रवाल, नेहा शर्मा, ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के ब्रांड एम्बेसडर है। तो देर मत करो, जल्दी जाओ, रजिस्टर करो Lotus365.in पर, लिंक आपको पिन मिलेगा कमेंट बॉक्स में। बाय। तो बाकी हम करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी, अभी तक आपकी लाइफ में आप सबसे ज़्यादा खुश कब हुए थे एंड क्यों हुए थे? सो गाइज, अगर मैं बताऊँ, ऐसे तो मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियों के मूड आते रहते हैं। मैं नॉर्मली दुखी रहना मैं पसंद नहीं करती, बट हाँ कभी कभी होता है गाइज दुखी रहते हैं, बट मैं ज़्यादा ट्राई करती हूँ कि मैं खुश रहूँ। एक एक जिंदगी है, इसमें भी दुखी रहूँगी तो फिर क्या करूँगी। तो सबसे ज़्यादा खुश मैं तब हुई थी गाइज, जब मैंने अपना 14 Pro Max लिया था, और वो जो खुशी थी ना वो बहुत अलग थी। मैं बहुत टाइम से उसकी डिमांड कर रही थी अपने घर में, मुझे चाहिए। एंड ये जो मेरा फ़ोन है गाइज, ये ऐसा है जो मैंने खुद लिया है ना, तो इसकी जो खुशी है ना वो मतलब मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर सकती कि क्या है। मतलब मैंने खुद लिया है, मुझे बहुत खुशी हुई थी कि मतलब जब मुझे, पर मुझे पता है कि हाँ मुझे खुद लेना, मैंने सोचा हुआ था मैं अपना फ़ोन ये खुद लूँगी, मैं खुद खरीदूँगी, बट फिर भी जब तक मम्मी पापा हाँ नहीं करेंगे कि हाँ, अगर मुझे गाइस कुछ भी लेना है ना, अगर मैं अपने लिए एक न्यू 10,000 का फोन भी खरीदने जा रही हूँ ना, और मेरे पास 10,000 रुपए पड़े हैं कि मैं खुद खरीद रही हूँ, पर उसमें भी फिर मुझे मम्मी पापा की परमिशन तो मुझे लेनी है ना कि हाँ मैं ले लूँ या नहीं लूँ, या आप साथ चलो दिलाओ। तो वही चीज़ थी कि बहुत टाइम से मैं रुकी हुई थी कि मम्मी पापा कब बोलेंगे, कब करेंगे। तो वो जो खुशी थी ना, जब फोन मेरे हाथ में था, मैं ऐसे कर रही थी और मेरा फोन खुल रहा था नया 14 Pro Max, तो बहुत खुश थी मैं बहुत ज़्यादा। एंड अगर एक चीज़ और बताऊँ मैं कब खुश थी, तो मैं एक सेकंड मैं खुश वो तब भी थी जब अभी लास्ट मेरी मम्मा का बर्थडे गया था, उस पे गाइज मैंने फर्स्ट टाइम सेविंग करके अपनी मम्मा को गोल्ड के इयरिंग्स दिए थे। आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे वीडियो व्लॉग्स और मेरे शॉर्ट्स भी देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो देख लेना नीचे जाके, दिसंबर टाइम पे मम्मी का बर्थडे आता है।
तो उस टाइम पे तो किसी को भी कोई आइडिया नहीं था। पुनीत और मैं गए थे, मैंने मम्मी के लिए पैसे जोड़े कि हाँ मुझे मम्मी को गोल्ड की इयरिंग्स गिफ्ट करनी है जो मम्मी घर में डेली वेयर पहन सके। तो मैंने पैसे जोड़े काफी टाइम से, मैंने मुश्किल से 1 महीना पैसे जोड़े होंगे अपने, 1 महीने की मैंने सेविंग्स करी और फिर मैं मम्मी के लिए गोल्ड की इयरिंग्स लेकर आई थी। और जब मैंने मम्मी को दिए थे, मम्मी काफी ज्यादा इमोशनल, काफी ज्यादा खुश हुई थी। तो उस टाइम पे भी मैं बहुत खुश हुई थी। तो ये दो चीजें अभी तक हैं जो मुझे याद है कि मैं इन दो चीजों पर बहुत ज्यादा खुश हुई थी। तो ये दो चीजें हैं जो मुझे याद हैं और मैं बहुत ज्यादा खुश थी, और क्यों थी वो भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल यू मैरी सरकारी नौकरी बॉय? तो गाइज नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ मुझे सरकारी नौकरी वाला लड़का चाहिए। गाइज मैं खुद इतना कमाती हूँ तो मुझे सरकारी नौकरी वाले का क्या करना है, मैं खुद कर सकती हूँ अपने लिए सब कुछ। और अगर कैसा भी मतलब जो मेरी जो मतलब जो भी मिल जाए, अगर जरूरी नहीं है कोई सरकारी नौकरी कर रहा है तो कल को मे भी किसी मिसहैपनिंग की वजह से वो ना रहे उसकी सरकारी नौकरी, तब क्या मैं गाइज उससे डाइवोर्स लेके दूसरा सरकारी नौकरी वाला लड़का ढूंढूंगी? तो ऐसा कोई सरकारी नौकरी वाला ये नहीं कि मुझे शादी करनी है तो मैं कोई सरकारी नौकरी वाला लड़का ढूंढूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मेरे मम्मी पापा ने मुझे ऐसा बनाया है कि मैं खुद इतना कमा सकती हूँ कि मैं अगर कल को ऐसी सिचुएशन आए तो मैं लड़का भी पाल सकती हूँ। गाइज ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लड़का पाल सकती हूँ, इट मीन्स कि हाँ मैं खर्चा उठा सकती हूँ किसी का भी, अपना भी और किसी और का भी इन फ्यूचर अगर मुझे नीड लगती है तो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मुझे सरकारी नौकरी वाला लड़का चाहिए, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। थर्ड, आप रिप्लाई नहीं करते बट आप अपनी फैमिली के साथ एक क्यूट सी फोटो शेयर करो जो मेमोरेबल हो काफ़ी। तो ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा था, तो मैं अपनी गैलरी चेक करूँगी एडिटिंग टाइम पे, तो जो मुझे लगेगा फैमिली फ़ोटो जो बहुत मेमोरेबल होगी। तो अभी तो मुझे ऐसे ध्यान नहीं है बिकॉज बहुत सारी फोटोज होती है, इतने ट्रिप्स पे हम लोग जाते हैं तो बहुत सारी फोटोज रहती है। तो मैं आप लोगों को साथ शेयर करूंगी जो हमारी फैमिली पिक्चर होगी और काफी मेमोरेबल होगी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, टेल योर वर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। लोग जिंदगी से हार जाते हैं, मुश्किल टाइम होता है, सुसाइड कर लेते हैं, तो इस बारे में आप क्या सोचते हो? तो मेरा सबसे बुरा टाइम कोई भी नहीं है, मैं किसी भी चीज़ को इतना सीरियस नहीं होती, इतनी मतलब किसी भी चीज़ को लेके मैं इतना सीरियस नहीं होती कि मैं उस चीज़ के लिए सुसाइड कर लूँ। वो ऐसा तो मैं कभी नहीं कर सकती गाइस कि मैं किसी चीज़ के लेके सुसाइड कर लूँ, ना बाबा ना। एक तो इनफैक्ट मुझसे होगा भी नहीं, मुझे जरा सी चोट लग जाती है ना, मैं इतनी सेंसिटिव हूँ, मैं पूरा घर सर पे उठा लेती हूँ। इनफैक्ट आपने देखा होगा जब मेरे फिंगर का ऑपरेशन हुआ था, भले ही सब कह रहे थे जी छोटा सा ऑपरेशन है, कशिश हो जाएगा और इतना पैनिक मत हो, ये मत हो, पर मुझे ही पता है मैंने वो अपना ऑपरेशन कैसे कराया था। मीन्स जब वो मुझे लेके जा रहे थे ना तो उन्होंने बोला कपड़े चेंज करो, मीन्स वो जो पूरा आउटफिट सा पहनाते हैं ब्लू कलर का पूरा लॉन्ग सा ड्रेस वगैरह होता है, तो वो मुझे वो पहनाने के लिए। तो मैं उस टाइम पे आपने व्लॉग्स देखे होंगे, मैं इतना रो रही थी, जैसे पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है। और उस टाइम पे ना मैं काफी ज्यादा डर गई थी। और जब मैं ओटी में गई, ओ भाई साहब, इतनी बड़ी बड़ी मशीन है, इतनी बड़ी बड़ी मशीन और 4-5 लोग मेरे सर पे खड़े हुए। मैंने कहा यार मेरे तो फिंगर का ऑपरेशन होना है, पहली बात तो इन्होंने मेरे कपड़े क्यों चेंज कराए, और जब मेरा इतना सा ऑपरेशन होना है तो ये इतने सारे लोग क्यों खड़े, कोई यहाँ खड़ा है कोई वहां खड़ा है। तो मैं उस टाइम पे काफी ज्यादा डर गई थी, पर मैं हो जाती हूँ बहुत जल्दी चीजों को लेकर सेंसिटिव, बट मैं हूँ ऐसी। पर मैंने आज तक कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा मेरा कि जिस टाइम पे मैंने ऐसा सोचा हो कि मैं अपनी जिंदगी से हार गई या बहुत मुश्किल टाइम है या मुझे सुसाइड करना है, ऐसा कुछ नहीं रहा मेरे साथ तो। और अगर आप लोग भी ऐसी कोई सिचुएशन फेस कर रहे हो तो सुसाइड करना कोई हल नहीं है गाइस। मैं भी बहुत न्यूज़ देखती रहती हूँ या कोई भी सुनने में आ जाता है, इनफैक्ट मेरी नियर में काफ़ी बार मैंने ऐसा कुछ सुना है, इसने ये कर लिया वो कर लिया। तो गाइस सुसाइड कोई सॉल्यूशन नहीं है, जरा एक बार अपने घर वालों की तरफ तो देखा करो यार, ऐसे किसी के पीछे मर मर के चले जाओगे जिन्होंने इतने टाइम साथ रखा है, जिनके साथ रह रहे हो, और किसी एक का प्यार ना मिलना या किसी भी वजह से आपने किया हो तो किसी एक इंसान से परेशान हो गया। खुद तो देखो कोई अपने आप से तो कोई परेशान होता नहीं, कोई ना कोई कर रहा होता है या कोई कुछ भी होता है। तो अपने घर वालों के साथ शेयर करो, उनके साथ ठीक रहो, मर जाओगे किसी एक के पीछे जो 20 लोग प्यार करते हैं उनका क्या उनका। तो इसीलिए कोई सॉल्यूशन नहीं है ये। तो जिसने ये क्वेश्चन किया था, अच्छा क्वेश्चन है, आदित्य नाम है इनका, अच्छा क्वेश्चन है। बट मेरी तरफ से गाइज आप लोग अपनी क्या राय देते हो इस पर कमेंट करना, और मुझे नहीं लगता कि ये कोई सॉल्यूशन है, तो इग्नोर करा करो इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, और इतना पूछा था ये क्वेश्चन, इतना ज़्यादा पूछा हुआ था, कशिश आप शादी कब करोगे, प्लीज़ इस क्वेश्चन का आंसर दो।
तो मैं जब भी क्यू एंड ए ब्लॉग बनाती हूँ ना, मैं यही आंसर देती हूँ कि आप लोगों को मेरी शादी की इतनी जल्दी क्यों है। गाइज मुझे ये बताओ, मींस ये क्वेश्चन मुझसे इतना पूछा हुआ है ना। और मींस नॉर्मली भी जैसे जब भी मेरा क्यू एंड ए ब्लॉग बनना होता है, मैं स्टोरी अपडेट करती हूँ ना, उसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन होते हैं ना वो यही होते हैं, आप शादी कब कर रहे हो। तो गाइज जब करूंगी आप लोगों को पता लग जाएगा, जब करूंगी तो मैं ब्लॉग बनाऊंगी ना कि आज मैं अपना लहंगा लेने जा रही हूँ, आज मेरी हल्दी है, आज मेरा कैमरामैन बुक हो गया, मेरी हल्दी की ड्रेस आ गई, या फिर मेरी मेहंदी ऐसी लगनी है, मैंने मेहंदी में यहाँ पे अपने पति की फोटो बनवाई है, यहाँ पे घोड़ा बनवाया है, यहाँ पे हाथी बनवाया है, डोली में बैठ के मैं जा रही हूँ, मैं सब आपको दिखाऊंगी। तो आप लोग टेंशन मत लो, मेरी शादी जब भी होगी ना, मैंने सोचा है मैं अपनी शादी बहुत ज्यादा धूमधाम से करना चाहती हूँ। मतलब ये जब मैं छोटी भी थी ना, ऐसे तो मम्मी बोलती है लड़कियां अपनी शादियों के नाम से शर्मा जाती हैं। मैंने कहा मम्मी अब करनी तो है ही, इसमें शर्माना वरमाना क्या है। तो मैं जब भी अपनी शादी करूंगी, मैं चाहती हूँ मेरी शादी बहुत अच्छे से हो। तो मतलब मेरे काफी ज्यादा शौक है गाइज, मैं किसी किसी चीज में लेके मेरे बहुत ज्यादा शौक रहते हैं कि ये चीज मेरे पास सबसे ज्यादा हो, या ये चीज मैं अपने अच्छे से करूँ। इनफैक्ट मेरा बर्थडे होता है ना गाइज, तो सबसे स्पेशल होता है मेरे लिए। मेरे बर्थडे जैसे सेलिब्रेट होते हैं मेरे घर में, ऐसे और किसी के नहीं होते, वैसे सेलिब्रेट सबके होते हैं, भले फिर वो मम्मी का हो, पापा का हो, अंशु का हो, प्रेरणा का हो, किसी का भी हो, सेलिब्रेट सबके होते हैं, पर जैसा मेरा होता है वैसा और किसी का नहीं होता। ये बात आप लोगों ने भी देखी होगी, मेरा लास्ट बर्थडे भी आप लोगों ने देखा होगा हमने कितने अच्छे से सेलिब्रेट किया था। मुझे बहुत शौक है कि मेरा बर्थडे बहुत ज्यादा बड़ा मने, बहुत ज्यादा धूमधाम से मने, और मैं बहुत सारे लोगों का गेट टुगेदर रखूं, मुझे बहुत शौक है। तो जब मैं अपना बर्थडे इस टाइप से बनाती हूँ, सेलिब्रेट करती हूँ कि रात को भी मुझे अलग से सरप्राइज चाहिए, अगले दिन मुझे चाहिए, तो मैं बहुत डिमांडिंग हूँ इन सब चीजों में लेके। जब मेरा बर्थडे आने वाला होता है, मेरे हर घर के बंदे से मेरी अलग डिमांड्स होती हैं कि मुझे इस बंदे से ये चाहिए, ये बंदा मेरी ये वाली अरेंजमेंट करेगा, ये करेगा, ये वो करेगा, मेरा ऐसा रहता है। तो मैं अपना बर्थडे जब इतने अच्छे से मनाती हूँ, तो अपनी शादी में तो मैं और कुछ करूंगी बहुत बड़ा बड़ा। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी, अपने साथ रखूंगी, एंड इनफैक्ट मैं अपनी शादी में एक खुला इनविटेशन कार्ड और अपने शादी के जो मेरे गेट होंगे, मतलब जो एंट्री होगी वो बिल्कुल खुली होगी, इनविटेशन कार्ड के द्वार आप लोगों के लिए खुले होंगे। मेरे सारे इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स और मेरे सारे यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स, आप सभी लोग इन्वाइटेड हो गए मेरी शादी में। मेरी रिश्तेदारी तो आएगी, और उनको रिश्तेदारियों को कार्ड देना मम्मी पापा का काम होगा, पर मेरा जो कार्ड देने का काम होगा ना, वो आप लोगों को होगा। आप लोगों के साथ इतने टाइम से चले आ रही हूँ, तो मेरी शादी में आप लोग ना हो तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो मेरी शादी में सबसे पहला न्योता मेरा आप लोगों को ही जाएगा कि मेरे इंस्टाग्राम के सारे फॉलोअर्स, कार्ड मैं दे दूंगी कि गाइज ये है कार्ड, इस दिन की शादी, इस दिन की मेहंदी, इस दिन की हल्दी, इस दिन की घुड़चड़ी, सॉरी वो तो लड़के की होती है, इस दिन का ये, इस दिन का वो, इस दिन के गीत ये है, और ये खुला हुआ है बिल्कुल, एड्रेस आप लोगों के सामने है। तो जो जो लोग भी मेरी शादी में आना चाहे, जहां मर्जी, जितना दूर से, या पूरे मेरी शादी का एक महीना निकालने आओ, तो आप लोग मेरी शादी में जरूर आओगे। और ये बात मैंने अपने घर में भी सबको बोला, और मेरी मम्मी खुद बोलती है कि हाँ तेरे सभी सब्सक्राइबर्स को हम तेरी शादी में बुलाएंगे, तो आप लोग आओगे गाइज मेरे पास, तो हम साथ में इंजॉय करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत ज्यादा मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन को भी मैंने इसलिए इम्पोर्टेंट समझा क्योंकि ब्लॉग पे भी नॉर्मली कमेंट आते रहते हैं, फिर आप लोग बोलते हो दी इग्नोर क्यों कर रहे हो, या जवाब क्यों नहीं दे रहे। तो ये क्वेश्चन है, दी आपकी फैमिली ने पम्मी जीजू से बात करना बंद क्यों कर दिया था। और इस क्वेश्चन का आंसर मैं भी देना मुझे जरूरी इसलिए लगा क्योंकि बहुत लोगों ने पूछ रखा है, बहुत लोगों ने। तो गाइज ऐसे कोई मेरी फैमिली ने बात करना बंद कर दिया था ऐसा नहीं है, बस वही है गाइज, अगर आपसदारी में तो थोड़ी लड़ाई हो जाती है, तो थोड़ी थोड़ी टाइम्स किसी की बात बंद हो जाती है, कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है ये। जैसे अभी कभी मेरी और पुनीत की लड़ाई हो जाती है, तो आप लोगों को दिखता होगा व्लॉग में, 4-5 दिन हम साथ नहीं रहते, वैसे पुनीत और मैं डेली आपको साथ दिखते हैं, डेली मैं कहीं जा रही हूँ पुनीत मेरे साथ है, पुनीत कहीं जा रहा है मैं उसके साथ हूँ, साथ खा पी रहे हैं, साथ ही है पूरा दिन। पर जब हमारी लड़ाई हो जाती है तो 4-5 दिन वो भी मेरे साथ नहीं रहता, तो अपना अपना अलग अलग गुस्सा होता है। जब प्रेरणा से मम्मी की लड़ाई हो जाती है कभी, जैसे वैसे घरों में तो चलता रहता है, तो जैसे कभी पापा मम्मी की हो गई तो एक ही घर में रह रहे हैं पर 10-15 दिन पापा मम्मी आपस में बात नहीं करते, कई बार होता है ऐसा, प्रेरणा से मम्मी की हो जाती है, प्रेरणा और मेरी हो जाती है, तो प्रेरणा और मैं तो एक महीने एक दूसरे से नहीं बोलते, तो हो जाता है। तो ऐसी कभी मीन्स हमारी जीजू से लड़ाई हो गई थी, तो ऐसे ही तो लड़ाइयाँ होती रहती है घर परिवार में, तो बस गुस्से में एक दूसरे से बात नहीं करते, और करते भी है तो काम टू काम कर लेते थे, पर जब हम नहीं कर रहे थे, अभी तो हम लोग सब नॉर्मल हो चुका है, सब ठीक है पहले की तरह, बट जब नहीं कर रहे थे तो काम टू काम कर लेते थे, बट जब स्पेशली व्लॉग बन रहा है तो उस टाइम पे कुछ काम के लिए बोल दिया तो ओके, नहीं बोला तो भी ओके। तो ऐसे कुछ इतना बड़ा इशू नहीं था, आप लोगों ने इस क्वेश्चन को इतना वो कर दिया था कि पता नहीं क्या है ये, पर इतना कुछ बड़ा नहीं था, बस थोड़ी लड़ाइयां चलती रहती हैं तो नहीं बात थी, बट अभी सब ओके है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कशिश आपकी और अंशु की एज में कितना डिफरेंस है और आने वाले टाइम में दोनों की शादी साथ में होने वाली है क्या? ना जी ना, मैं नहीं करूंगी उसके साथ शादी। मीन्स उसके साथ का मतलब ये है कि जैसे एक मंडप पे दो शादियां हो जाती हैं, दो दो बहनों के साथ हो गया, दो भाइयों के साथ हो गया, बहन भाई के साथ हो गई, तो नहीं जी मैं तो ऐसे नहीं करूंगी। मेरी शादी होगी, अंशु की शादी अलग होगी। अब जैसे मेरे को अंशु की शादी में जो मजे मुझे करने हैं, अगर वो मैं अपनी शादी के टाइम पे ही रख लूंगी तो फिर अंशु की शादी में मैं अचार डालूंगी, फिर मैं तो अंशु की शादी में किसी लायक बचूंगी ही नहीं, क्योंकि अंशु की शादी भी मेरे साथ हो रही होगी, मेरे साथ ही उसके सब काम होंगे, तो मैं अपनी शादी पर ध्यान दूंगी, उसकी शादी पर ध्यान दूंगी। तो एज गैप हम लोगों का 2 साल का है, अंशु और मेरा, प्रेरणा और मेरा 1 का है, अंशु और मेरा 2 का है, अंशु और मेरे बीच में 2 साल का गैप है। तो साथ में शादी तो हम नहीं करेंगे, ऐसा तो अभी से ही डिसाइडेड है, साथ में शादी हम नहीं करेंगे, अलग अलग ही होगी दोनों की, मेरी होगी उसके बाद अंशु की होगी, क्योंकि मैं भी तो यार बहन हुए इकलौती 2 है हम, मींस तो अभी मैं भी जब अंशु की शादी होगी तो हाँ मेरी तो शादी हो जाएगी, बट फिर भी मैं अंशु के लिए इतने जो भाइयों की शादी में लड़कियां इतने मजे करती है मैं नहीं करूंगी क्या, जो मैं साथ में कर लूँ, नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वॉन्ट टू आस्क योर रिलेशनशिप स्टेटस, डोंट से सिंगल, मे बी योर पास्ट बिकॉज योर स्टोरीज वर हार्ट्स ब्रोकन। तो इस क्वेश्चन का बहुत सारे लोगों ने पूछा हुआ था कि कभी कभार मेरी स्टोरीज ऐसी होती है, जैसे देखिए आपको लगता है कि मेरा दिल टूटा हुआ है या मुझे किसी ने धोखा दे दिया या ऐसा कुछ, तो गाइज ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिंगल हूँ, मेरा कोई बॉयफ्रेंड वगैरह नहीं है। और अगर रही बात पास्ट की, तो वो भी कुछ इतना खास नहीं है, मैंने कभी इन सब चीज़ों पर फालतू पर ध्यान ही नहीं दिया, और अभी मैं छोटी सी तो हूँ गाइज, 19 साल की मैं हूँ बतेरी, इसमें मैं क्या क्या कर लेती हूँ, 19 साल का बच्चा क्या समझता है गाइज। तो मेरा कोई बॉयफ्रेंड तो इनफैक्ट नहीं है अभी, और होगा तो आप लोगों को जरूर बताऊंगी, मैं जब भी बनेगा घर में भी बताऊंगी तो आप लोगों को भी बताई दूंगी। तो बॉयफ्रेंड तो नहीं है, बट हाँ वो जो मेरी स्टोरीज होती है गाइस, कभी कभी कुछ कुछ चीजें होती है ना जो मींस अच्छी लग जाती हैं, तो मुझे ना मींस स्टार्टिंग से ही मुझे सैड सॉन्ग सुनना पसंद है, या फिर कोई सैड स्टोरीज होती है या कोई सैड कंटेंट हो गया, तो मुझे वो सब चीजें अच्छी लगती है। तो कुछ कुछ स्टोरीज मैं कभी कभी रील स्क्रोल कर रही होती हूँ तो कुछ आ जाता है उसमें, थोड़ा सैड होता है, बट हाँ मुझे लगता है कि उसे मैं पढ़ लेती हूँ या उस पर सॉन्ग अच्छा लगा हुआ है तो मुझे अच्छा लग जाता है, तो इसीलिए मैं लगा देती हूँ। बट ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ मेरा रिलेशनशिप है या मैं उसमें दुखी हूँ या मेरे पास्ट को लेके मैं किसी का प्यार भुला नहीं पा रही या पा नहीं पा रही, ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपना ठीक हूँ, मौज मस्ती में रहती हूँ, बस इतना ही है। तो किसी के आगे पीछे रोने वाला सिस्टम कोई नहीं है, बस वो स्टोरीज मुझे कभी, मेरी मम्मी भी मुझे बोलती है गुल्लू तू कभी रोने वाली वीडियोस क्यों बनाती है या तू ऐसी स्टोरी क्यों लगा रही है, तो वो मुझे अच्छा लगता है, बस मैं इसलिए करती हूँ। कभी कभी मुझे अच्छा लग जाता है कि हाँ ये रील अच्छी लग रही है या इसमें लिखी हुई बातें अच्छी लग रही है, और शायरी लवर मैं काफ़ी टाइम से हूँ, मुझे पढ़ना शायरियाँ बहुत पसंद है। तो पहले तो मैं इंस्टाग्राम पे काफ़ी शायरी वाले पेज में फॉलो करती थी, मैं पूरी पूरी उनकी शायरियाँ पढ़ती थी, कोई नया पोस्ट आ रहा है मैं फटाफट पढ़ती थी, तो मैं पढ़ लेती थी, बट ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा है। तो ओके बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपका कोई बर्थ मार्क? नो, कोई बर्थ मार्क नहीं है मेरा गाइस, प्रेरणा के काफ़ी सारे हैं, मेरा एक भी नहीं है। मैं मम्मी से बोलती हूँ मेरा क्यों नहीं है, तो मम्मी कहती है अब क्यों नहीं है, सो मुझे क्या पता, बट हाँ कोई बर्थ मार्क नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके और जीजू की बॉन्डिंग बताओ, अभी काफ़ी टाइम पहले आपने जीजू से बात करना बंद की थी, क्यों? इसका आंसर मैं दे चुकी हूँ, मैं भी ये क्वेश्चन 2 बार हो गया। जीजू और मेरी बॉन्डिंग वैसे काफ़ी अच्छी है, अभी लड़ाई हुई थी तो वो भी सॉल्व हो गई, बाकी जीजा साली का तो मैटर आप लोगों को पता ही है, वो बहुत फनी भी रहता है, कभी गुस्से वाला भी हो जाता है, तो सब चलता है, बाकी अच्छे हैं मेरे जीजू काफ़ी, और काफ़ी सपोर्टिव भी हैं, काफ़ी हेल्पिंग भी हैं, बहुत ठीक है, अच्छे हैं। बट हाँ जब किसी से भी लड़ाई होगी गाइस, नॉर्मल सी बात है, आप लोग अगर मियाँ बीवी हो, आप लोगों की लड़ाई हो गई तो फिर बात तो आप उनसे ही बंद कर देते हो, आपके भाई बहनों की लड़ाई हो गई, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की लड़ाई हो गई, दोस्तों की आपस में लड़ाई हो गई, तो बात तो बंद कर ही देते हैं, तो वो कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है। बट हाँ जीजू और मेरी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी है, स्टार्टिंग से काफ़ी टाइम से साथ रह रहे हैं, एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, तो सब कुछ काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे हैं वो भी, मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ ना, तो सब ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरणा दी और पम्मी जीजू की लव स्टोरी बता दो, आई मीन कुछ इंटरेस्टिंग बात है। ये भी काफी सारे क्वेश्चन आए थे कि दी हम प्रेरणा दी से पूछते हैं, वो बताते नहीं है, आप बता दो। तो गाइज उन दोनों की लव स्टोरी तो इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इतने ज्यादा उसमें इतनी सारी बातें हैं, अगर मैं आपको बताने बैठ जाऊँ ना ऑलरेडी मेरा व्लॉग काफी ज्यादा लंबा हो गया, बिकॉज मैं इतना ज्यादा बोल रही हूँ, मैं थोड़ी कोशिश करूंगी मैं कम बोलूँ, तो बहुत ज्यादा बड़ा होता जा रहा है। तो इसका रिप्लाई मैं मे बी प्रेरणा और पम्मी के साथ बैठ के, जीजू के साथ बैठ के और प्रेरणा के साथ बैठ के, मैं दोनों के साथ कोई व्लॉग शूट करूं जिसमें मैं हम उनकी लव स्टोरीज के बारे में, लव स्टोरी के बारे में बात करें, कुछ इंटरेस्टिंग बातें, बिकॉज अभी काफ़ी सारी उनकी ऐसी बातें जो मैं बताने लग जाऊँ तो मेरा आगे का व्लॉग कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, बिकॉज बहुत कुछ है उनकी लव स्टोरी में, बहुत अप एंड डाउन है, वो आपने उनके भी व्लॉग्स में स्टार्टिंग में देखा होगा या अभी भी कभी कभी आप लोग देख लेते होगे,
काफी अप डाउन है, काफी कुछ है उनके रिलेशनशिप में, तो अगर बताने बैठो तो गाइज आपको कम पड़ जाएंगी मेरी बातें सुनते सुनते, आप लोग थक जाओगे, बट उनकी लव स्टोरी इतनी बड़ी है गाइज। तो इस क्वेश्चन को हम ड्रॉप करते हैं अभी के लिए एंड बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। आपकी लाइफ का वो सच जो आपने किसी से भी शेयर ना किया हो, जो आपने अपनी फैमिली से भी ना किया हो। अच्छा जी, तो इस क्वेश्चन का जवाब मैं ये देना चाहती हूँ कि मेरी लाइफ का कोई ऐसा सच जो मैंने किसी को ना बताया और अब मैंने अपनी फैमिली को भी ना बताया हो, तो मैं आपको कैसे बता दूं, आप जरा मुझे ये बताएंगे जिन्होंने ये क्वेश्चन किया है। पर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पर मैं ये सोच रही हूँ कि जो मैंने अभी तक नहीं बताया किसी को, मैंने अपने घर वालों को भी नहीं बताया, तो मैं यहाँ बता दूं ताकि कुछ ऐसा मैंने कुछ ऐसी चीजें छुपाई होगी गाइज जो बताने लायक नहीं होगी, तो यहाँ बता के मैं अपने लिए गाइज डंडे या मैं अपने पिटने के द्वार खोल लूं। नहीं यार, ये क्वेश्चन काफी फनी लगा था मुझे, इसलिए मैंने पिक किया था। तो कुछ ऐसा सच अभी तो मेरे दिमाग में एकदम आ नहीं रहा कि ऐसा कोई सच है या नहीं है, पर अगर होगा तो मैं फिर भी बता, मैं फिर भी नहीं पाऊंगी क्योंकि मैंने अपनी कोई फैमिली से बात छुपाई हो, मैं यहाँ बता दूं मम्मी का, एक तो छुपाने पे पिटूं और ऊपर से जो छुपाई होगी उस बात पे भी पिटूं। ना जी ना, ये भी बेकार है, तो इसीलिए इस वाले क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दे रही अभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने इंस्टा कब से स्टार्ट किया था, आपको इंस्टा स्टार्ट करने के लिए किसने ज्यादा बोला था। राधिका, उनका क्वेश्चन है, मे बी आई एम रिदू, उनकी आईडी है राधिका नाम होगा मे बी, उन्होंने लिखा हुआ है। तो गाइज मेरे को इंस्टा स्टार्ट करने के लिए प्रेरणा ने ही काफी फोर्स किया था। पहले मेरी इंस्टा आईडी थी बट वो प्राइवेट थी एंड मम्मी पापा को पसंद नहीं था कि मैं इंस्टा चलाऊं। प्रेरणा तो जबरदस्ती चला लेती थी, मेरा पसंद नहीं था क्योंकि मैं मम्मी पापा की, मैं मम्मी कुछ बोल देती तो मैं नहीं करती थी। तो फिर मुझे मम्मी ने, मैंने अकाउंट तो बना रखा था पर अगर मैं जैसे इंस्टाग्राम पे कोई रील्स बना लेती थी और फिर मुझे वो अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगानी होती थी ना, तो मैं उसको पूरा क्रॉप करती थी कि नीचे मेरी इंस्टा आईडी का लोगो ना दिख जाए, नाम ना आ जाए, ऊपर से कट, यहाँ से कट, वहाँ से कट, मैं ऐसे करके स्टेटस लगाती थी। और इंस्टा पे भी कुछ पोस्ट कर रही थी ना तो वो प्राइवेट अकाउंट रहता था ना, मैं अपनी डीपी लगाती थी बिकॉज डीपी से तो फिर पहचान लेते हैं ना। तो शुरू में तो ये काम सब नहीं करे होते, छुपा छुपा के इंस्टा चलाते थे, तो मैंने भी करे थे। बट हाँ, फिर जब थोड़े टाइम बाद प्रेरणा ने बोला था कि मैं मम्मी से बात करती हूँ, फिर प्रेरणा ने मेरे इंस्टा आईडी के बारे में घर में बताया था, फिर मैंने अपना अकाउंट पब्लिक किया था। तो प्रेरणा तो उससे काफी पहले से चलाती थी बट मैं नहीं चलाती थी, मैं बस प्रेरणा का देख के खुश हो जाती थी, बहन तेरा देख लूँ ऐसे करके मैं खुश हो जाती थी। तो फिर मुझे प्रेरणा ने ही फोर्स किया था और मैंने बनाया भी उसने ही बनवाया था, मेरी हेल्प भी उसी ने करी थी बनाने में, एंड फिर घर में जब वो सबके सामने आया था तो वो भी उसी ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी प्लीज शेयर अबाउट पुनीत फैमिली, हाउ दे लव यू। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर मे भी आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, पुनीत की फैमिली में सभी काफी अच्छे हैं, दिव्या दीदी है, रेखा दीदी है, आंटी है, अंकल है, पुनीत है और लवेश कुशु है और जीजू भी है। तो गाइज उसकी फैमिली में सभी मुझसे काफी ज्यादा प्यार करते हैं, मैं जाती हूँ तो आप लोगों ने देखा होगा मेरा बॉन्ड सबके साथ ही काफी अच्छा है। पुनीत के साथ मेरा बॉन्ड कैसा है वो तो आप लोगों को व्लॉग्स में दिखता होगा, पुनीत और मेरी तो पक्की यारी यारी तोड़ निभाइए गाना शायद कुछ ऐसे ही है, मुझे पर प्रॉपर याद नहीं है। तो पुनीत और मेरा तो गाइज एकदम पक्का यार आना है, तो वो तो बेस्ट है एकदम, मतलब मेरा ऐसा यार दोस्त गाइज आज तक नहीं बना जैसा पुनीत है। तो अब मुझे किसी चीज़ की कमी भी नहीं लगती उसके साथ, बहुत अच्छा है गाइज वो, बहुत अच्छा है मेरा, मतलब एक तो पता है दोस्त बेनिफिट इतना है मुझे उसके साथ रह के, बहुत केयरिंग है वो, बहुत ज़्यादा केयरिंग है, बहुत अच्छा है। तो पुनीत को तो आप लोग में भी देखते हो, पुनीत की फैमिली कभी कभी आप लोगों को दिखती होगी बट हाँ पुनीत तो आपको डेली दिखता होगा। तो पुनीत बेस्ट है, मतलब बहुत अच्छा है यार वो, तो उसका अलग है, वो तो आप लोगों को भी दिखता होगा कि वो और मेरा बॉन्ड कैसा है। बाकी दिव्या दीदी है, रेखा दीदी है, उन दोनों के साथ भी मेरा बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा फनी है, हम लोग काफ़ी मस्ती करते जब भी हम साथ होते हैं तो बहनों जैसा प्यार है, बहुत मस्ती करते हैं आपस में, साथ खेलना पीना खाना और घूमना फिरना साथ में, तो सब बहुत अच्छा। आज भी दिव्या दीदी आई थी तो हमने काफ़ी मज़े किए साथ में, अच्छा है। और आंटी भी काफ़ी अच्छी है, मैं जब जाती हूँ तो आंटी मुझसे भी ऐसी जैसे अपनी बेटियों को प्यार करते हैं, मेरे साथ भी आंटी ऐसी ही रहती है, प्रेरणा के साथ भी ऐसी ही रहती है, हम जाते हैं जब भी तो बहुत टाइम हो जाता है पुनीत के घर जाए हुए, फैमिली से मिले हुए, तो हम काफ़ी बातें करते हैं, काफ़ी अच्छे से साथ रहते हैं, खाना पीना और घूमना फिरना, और जब भी फिर साथ जाते हैं तो टाइम को पता ही नहीं लगता, इतनी बातें करते हैं, तो सब कुछ बहुत अच्छा है। और फिर लविश कुशु हो गए गाइस, तो वो उनका तो अलग ही है, उनका प्यार तो मेरे साथ तो हो, कशी उन दोनों का तो गाइस अलग ही है। और लविश कुशु को तो आप देखते हो, कुशु ज़्यादा नहीं बोलता पर हाँ लविश बहुत प्यारा है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरे से बहुत बात करता है। और इनफैक्ट अभी तो उसने अपना एक फैमिली पोर्ट्रेट बनाया था जिसमें उसने गाइज मेरी फोटो भी बनाई थी, तो फिर दिव्या दीदी ने उससे पूछा कि फैमिली की बनानी थी तो कशिश की क्यों बनाई, तो कह रहा मम्मा कशिश हमारी फैमिली है ना इसलिए मैंने उसकी फोटो बनाई है। तो
तो वो बहुत प्यारा था। मैं यहाँ पे उसकी फोटो शेयर करूंगी, उस फैमिली पोर्ट्रेट की, जिसमें उसने अपनी पूरी फैमिली की फोटो बनाई है और उसमें उसने मुझे भी ऐड किया है कि हाँ मम्मी कशिश हमारी फैमिली है ना, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो मैं उसको कैसे छोड़ सकता हूँ। तो सब लोग बहुत प्यारे हैं, सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कशिश, आपका कोई ऐसा ड्रीम है जो आपके माइंड में है और आप कभी ना कभी पूरा करना चाहते हो? तो गाइज ऐसे बहुत सारे मेरे ड्रीम है जो मैं पूरा करना चाहती हूँ, बहुत कुछ है ऐसा, मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ है, बट हाँ मैं अभी बता नहीं रही, आप लोगों को बताऊंगी वक्त आने पर मैंने ऐसा बहुत कुछ सोचा हुआ है और तीन चार चीज़ें तो उसमें ऐसी हैं जो मैंने सोच रखी हैं कि मुझे करनी ही करनी है। और अगर मतलब मुझे ये दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने सोच रखी हैं और मैं चाहती हूँ कि जितना जल्दी हो सके ना मैं ये करूँ, और वो चीज़ें मुझे करनी मम्मी पापा के लिए ही है। तो बस मेरा यही है कि हाँ मुझे दो चार चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ मुझे मम्मी पापा के लिए करनी है। तो मेरा बहुत मन है कि हाँ ये जो तीन चार चीज़ें हैं मैं ये कभी पूरी कर पाऊँ। बस बस वही है गाइस, थोड़ी तरक्की चाहिए होती है उन लोगों के लिए, हाथ में पैसा चाहिए होता है। तो मैंने जो जो सोच रखा है मैं चाहती हूँ मैं उसे पूरा करूँ। तो कल कभी किसी बड़े मुकाम पे अगर मैं पहुँचूंगा इस, तो मैं अपनी वो तीन चार चीज़ें ज़रूर पूरी करूँगी जो सिर्फ मम्मी पापा के लिए ही मैंने सोच रखी हैं। तो मुझे वो करना है बस, और जब मैं अगर वो मैं कर लूँगी ना जब गाइस, उस दिन पता नहीं मेरी जो खुशी होगी ना गाइस, सच में मैं आप लोगों को उसी दिन, बस मैंने सोचा हुआ है बस ऐसे ही आप लोगों का साथ रहे, भगवान का मेरे ऊपर हाथ रहे, मम्मी पापा साथ रहे, तो बस इसी तरीके से मैं वो चीज़ें जल्दी जल्दी पूरी करूँगी और आप लोगों को भी बताऊँगी एंड फिर बस हो जाए जल्दी। इतना सोच रखा है मैंने जो भी कि मुझे ये तीन चार चीज़ें करनी ही करनी है, और अभी हाल फिलहाल में ही जल्दी, मतलब अभी मैं 19 साल की तो हो ही गई हूँ, तो और ऐसे ही मैं चलती रहूँ आगे बढ़ती रहूँ और तब मैं मम्मी पापा के लिए करूँ। तो कुछ है ऐसा मैंने सोचा हुआ है, मैं इनफैक्ट मैंने मम्मी पापा के साथ भी शेयर नहीं किया कि मैं मेरा ये ड्रीम है जो मैं पूरा करना चाहती हूँ, तो मैंने मम्मी पापा के साथ भी शेयर नहीं किया, बट हाँ मैं करना चाहती हूँ। तो जब भी कभी होगा आप लोगों को भी पता लगेगा, मम्मी पापा को भी पता लगेगा। तो बस आप लोग भी दुआ करो मेरे लिए कि मैं वो चीज़ कर लूँ जल्दी। गाइस पिंपल हो रहा है और गलती से नाखून लग गया, बहुत दर्द हो रहा है। बाकी गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम एक लास्ट क्वेश्चन का ही आंसर दे रहे हैं बस, उसके बाद व्लॉग का एंड करेंगे बिकॉज बहुत ज्यादा लंबा व्लॉग बन रहा है। दो क्वेश्चन है, चलो दो क्वेश्चन के आंसर मैं देती हूँ। आप शादी कब करोगे और शादी के बाद कौन सी ड्रेसेस ज्यादा प्रेफर करोगे, लाइक इंडियन और वेस्टर्न वेयर? तो गाइस शादी का तो मैंने आपको बता दिया मैं कब करूंगी, बाकी शादी के बाद पहनने की बात रही तो मैं गाइस मैं वही पहनूंगी जो मेरा मन करेगा, क्योंकि आजकल साड़ी सूट बहुत नॉर्मल हो चुका है और सूट साड़ी तो आपने देखा होगा मैं अभी भी पहनना पसंद नहीं करती, मुझे अच्छे ही नहीं लगते। तो जो मेरा मन करेगा मैं वही पहनूंगी, बाकी फिर वो गाइज अकॉर्डिंग टू फैमिली, अगर किसी फंक्शन में मतलब फंक्शन में जा रहे हैं तो नॉर्मली अपना सूट साड़ी पहन लो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा मुझे कि मुझे सूट साड़ी से नफरत ही है, मैं अभी भी सूट पहनती हूँ काफ़ी बार, आप लोगों को मैं सूट में अच्छी लगती हूँ, बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स होते हैं। तो कहीं जा रहे हो तो सूट पहन लिया, अपना सोलो ट्रिप पे हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं तो जो मन करा जीन्स टॉप डालिए, शॉर्ट्स डालिए, स्कर्ट डालिए, तो वो उस टाइप से पहन लूंगी, मतलब जैसा जैसा रहेगा वो पहन लूंगी। बट बाकी अगर मेरे को पहनना ज़्यादा क्या होगा तो मैं ज़्यादा नॉर्मली जीन्स टॉप या शॉर्ट्स ही प्रेफर करूंगी, क्योंकि मुझे वही पसंद है। मेरे को सूट साड़ी ठीक लगते हैं बट हाँ कभी कभी पहन ली, अगर डेली वेयर कोई मुझसे बोले तो मैं सूट साड़ी नहीं पहन सकती, मुझे पसंद भी नहीं है और ना ही मुझे अच्छे लगते हैं कि मैं डेली ये पहनूँ, तो जो मेरा मन करेगा मैं वही पहनूंगी। और लास्ट क्वेश्चन है, योर फर्स्ट सैलरी प्लीज शेयर विद अस दी प्लीज। तो बहुत सारे लोगों ने पूछ रखा था दी आपकी फर्स्ट सैलरी के बारे में बताओ, और बहुत बार पूछा हुआ है। तो मैं अपनी इंस्टा की तो मे बी मुझे आइडिया नहीं है बट मैं अपनी यूट्यूब की बता देती हूँ आपको। तो जो मेरी यूट्यूब की फर्स्ट सैलरी आई थी मैं उस पर भी काफ़ी खुश हुई थी, मेरी यूट्यूब की फर्स्ट सैलरी 55 के अराउंड आई थी, तो उस टाइम में भी मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हुई थी क्योंकि वो मेरी 1 मंथ की सैलरी थी और वो 55,000 आई थी, तो 55 के आसपास ही थी, कुछ शायद ज़्यादा थी 55 से, तो ऐसे 56, 57 या 55 इन तीनों में से कुछ होगी, बाकी अभी मुझे प्रॉपर याद नहीं कितनी थी, तो इतनी ही थी। तो मैं बहुत खुश हुई थी उस टाइम पे कि हाँ यार मेरी 1 मंथ की सैलरी इतनी आई है, तो वो टाइम भी बहुत अच्छा था। तो ये मेरी सैलरी आई थी, बाकी इसी के साथ मैंने कर दिया अपने सारे क्वेश्चंस खत्म। मैं आपसे मिलूंगी न्यू ब्लॉग के साथ, अगर कुछ रह गया हो और सबसे इंटरेस्टिंग आप लोगों को कौन सा क्वेश्चन लगा कमेंट करके बताना, एंड मैं आपसे मिलूंगी न्यू वीडियो के साथ। बोलते बोलते मैं भी थक गई गाइस बहुत, और मैं आपसे मिलूंगी न्यू वीडियो के साथ। इस वाले को लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जल्दी से 70K होने वाले हैं और थोड़ा सपोर्ट करके 70K करा दो, देन हमें 1 लाख भी क्रॉस करने हैं। और डेली डेली शॉर्ट्स वीडियो भी चेक करते रहा करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर करना, और अगर लगे कि कोई क्वेश्चन रह गया है तो कमेंट कर देना, और कौन सा वाला क्वेश्चन ज्यादा अच्छा लगा, मेरा कौन सा आंसर ज्यादा अच्छा लगा वो भी कमेंट करके बताना। बाय।